लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। हर हर महादेव दोस्तों, आज एक और सक्सेस स्टोरी लेकर आया हूं आप सबके सामने। जोड़ी का नाम है अविनाश और ज्योति। अविनाश और ज्योति अहमदाबाद में मिले। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। आगे चलकर ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अविनाश अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हैं। उनके माता पिता की बहुत उम्मीदें हैं उनसे, और ज्योति जो मध्य प्रदेश के भोपाल में रहने वाली है, उनके माता पिता अपनी बेटे की शादी इतना दूर राजस्थान में कभी नहीं करेंगे। फिर दोनों म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं कि जब तक साथ रह सकते हैं तब तक साथ रहते हैं। आगे का सोच कर आज क्यों खराब करना चाहिए। समय बीतता है, दोनों एक दूसरे के एकदम करीब हो जाते हैं। एक बार अविनाश छुट्टियों पे अपने घर आता है, तो वहाँ उनके माता पिता ने एक अच्छी लड़की देखकर अविनाश की सगाई तय कर दी। अविनाश ये बात ज्योति को बताते हैं। ज्योति को कुछ समझ में नहीं आता है। ज्योति यहाँ वहाँ हाथ पैर मारने लगती है, और तभी उनके लाइफ में एंट्री लेता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, यहाँ पर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने ही काम किया। जब आप यूनिवर्स में एक सवाल डालते हो मदद के लिए, तभी आपके सामने कोई ना कोई मदद के रूप में चीज आ जाती है। तो इसी तरह से ज्योति के लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंट्री हुई। उनको वहां से कुछ रास्ता दिखा, कुछ उम्मीद आई। फिर उन्होंने हेल्पलाइन टीम से बात की। उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि कैसे उन्होंने घुटन महसूस की, कैसे उनको नेगेटिव ख्याल आ रहे थे, कैसे वो डिप्रेस्ड हो गई थी। उन्होंने हमारे चैनल पे 30 डे मैरिज मैनिफेस्टेशन का वीडियो देखा था। ये फॉलो करते हुए उन्होंने इस बात का एहसास किया कि उन्हें अविनाश से ही शादी करनी है। ये बात उन्होंने अविनाश से की। अविनाश भी इसी भावना में थे, वो भी इस बात से सहमत हुए। दोनों एक पेज पर आए और हेल्पलाइन टीम से ये इच्छा जाहिर की कि घर वालों को मना कर ही शादी करनी है और एक दूसरे के साथ ही रहना है। हमने इसके लिए बन पड़ती मदद की। उन्होंने सेशन ज्वाइन किया था। मैंने सेशन में अविनाश और ज्योति दोनों से बात की थी। हमने कुछ उपाय के बारे में चर्चा की। सबसे पहले अविनाश ने अपने घर पर ज्योति के बारे में बात की। अविनाश और उनके माता पिता के बीच में इसे लेकर काफ़ी संघर्ष हुआ, लेकिन अविनाश ने हमारे बताए हुए सारे उपाय काफ़ी ही ईमानदारी के साथ और पेशेंस के साथ फॉलो किए। 3 महीने बाद अविनाश की सगाई टूट गई। फिर ठीक हमारे बताए हुए समय पर उनके माता पिता भी राजी हुए। दोनों परिवार ने कुछ समय लिया और बाद में हामी भर दी। दोनों की शादी तय हो चुकी है। इसी अप्रैल में ये एक डेस्टिनेशन वेडिंग होगी। मेरा वहां जाना जरूरी होगा उन्हें आशीर्वाद देने के लिए। मैं उनके शादी के समय उनका एक वीडियो जरूर लेकर आऊंगा आपके लिए। ये मेरा प्रयास होगा दोस्तों। अगर ये सक्सेस स्टोरी आपको मिली है तो इसे यूनिवर्स का इशारा ही समझिए। अगर आपको भी कोई सफलता नहीं मिल पा रही अभी तक प्रेम में, कोई तकलीफ है, प्रॉब्लम है, ये रहे हेल्पलाइन के नंबर। फटाफट कॉल करके अपनी प्रॉब्लम भेजो। आपकी सक्सेस स्टोरी का तहे दिल से इंतजार कर रहा हूं। मैं आपका गुरु मेंटर ऋषभ गौतम आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री कृष्ण।